हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज का टॉपिक है लाइव क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेंडेमिक की वजह से लाइव क्लासेस लेना अनिवार्य हो गया है। वैसे तो लाइव क्लासेस कंडक्ट करने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे कि गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, जूम, सिस्को वेबएक्स, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। लेकिन उनके कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स है तो कुछ न कुछ लिमिटेशंस भी है। इसलिए आज मैं आपके साथ में एक ऐप के बारे में जानकारी देने आया हूं, जिसका नाम है टीचमिंट। इस ऐप से आप किस तरह से लाइव क्लासेस कंडक्ट कर सकते हो और किस तरह से अटेंडेंस मेंटेन करना, क्लास रिकॉर्डिंग, होमवर्क, असाइनमेंट, ऐसे कई चीज़ें इसमें अवेलेबल है। इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में अवेलेबल है, इसलिए आप एंड तक इस वीडियो को देखें। जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप लेफ्ट हैंड की तरफ टीचर फोन और राइट हैंड की तरफ स्टूडेंट फोन देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमें टीचर फोन पे टीचमिंट ऐप इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आप प्ले स्टोर ओपन करें। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद टीचमिंट नाम के ऐप को सर्च करें, उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। कुछ सेकंड्स में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी। आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करते ही आपको लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। आप आपका प्रिफरेबल लैंग्वेज सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। कृपया इस बात पर ध्यान दीजिएगा, एक मोबाइल नंबर से एक ही अकाउंट क्रिएट हो सकता है। यू कैन क्रिएट ओनली वन अकाउंट यूजिंग वन मोबाइल नंबर। अब जहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर टैप करें। टैप करते ही आपके सामने मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। अगर आपके सामने मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा है तो आप मैन्युअली भी मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक मोबाइल नंबर शो हो रहा है, अगर मुझे इसी नंबर से अकाउंट क्रिएट करना है तो मुझे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, और अगर मुझे किसी और नंबर से करना है तो नीचे लिखा हुआ है यूज़ अनदर नंबर पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मुझे इसी नंबर से कंटिन्यू करना है, इसलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली एक ओटीपी आएगा जो ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको टीचर सिलेक्ट करना है क्योंकि ये टीचर का फोन है। उसके बाद नेम में टीचर को अपना नेम टाइप करना होगा। अपडेट प्रोफाइल पिक्चर में जाके आप यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपडेट कर सकते हो, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लासरूम क्रिएट करना होगा। जैसे कि मैं किसी तीन क्लासेस में क्लासेस लेता हूँ, जैसे कि 7th, 8th और 9th। इन तीन क्लासेस में मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मुझे तीनों ही क्लासरूम सेपरेटली क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, क्लासरूम में मुझे यहाँ पर क्लास का नाम टाइप करना होगा, जैसे मैं क्लास 9 टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट टाइप करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन आए हैं, ट्यूशन, स्कूल और हॉबी। आप स्कूल पर क्लिक करें और क्रिएट क्लासरूम पर क्लिक कर दें। अब आपका 9th क्लास का कंप्यूटर सब्जेक्ट का क्लासरूम क्रिएट हो चुका है। ऊपर की तरफ जहाँ 9th क्लास लिखा आ रहा है वहाँ पे एक बैक एरो है, उस पर टैप करें। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम इस ऐप को इंस्टॉल किया है। लेट्स एक्सप्लोर पर टैप करने के बाद नेक्स्ट 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 करके इसको कंप्लीट कर ले। अब मुझे एक और क्लास क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट क्लासरूम पे वापस टैप करूँगा, और यहाँ पे जो क्लास मुझे क्रिएट करनी है उस क्लास का नाम मुझे यहाँ टाइप करना है और वो सब्जेक्ट मुझे टाइप करना है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास में दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तभी भी आपको दो सेपरेट क्लासरूम क्रिएट करना होगा। यहाँ पर भी हम स्कूल ही सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट क्लासरूम पर टैप कर देंगे। वापस हम एक बार बैक एरो की से बैक हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो क्लासरूम क्रिएट हो चुकी है, क्लास 8 एंड क्लास 9th। अब हम क्लास 9th के बारे में कुछ आगे सेटिंग्स करेंगे, इसलिए मैं क्लास 9th पे टैप करूँगा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि टाइम टेबल, अबाउट टीचर, अबाउट क्लासरूम। तो सबसे पहले हमें टाइम टेबल ऐड करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम टेबल पर टैप करूँगा और ऐड टाइम टेबल पर टैप करना होगा। अब आप कौन से डेज को 9th क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसी तरह इसे यहाँ पे आपको वो क्लास सिलेक्ट, वो डे और टाइम सिलेक्ट करना है जिस दिन आपकी क्लास है। जैसे कि मैं मंडे, वेनसडे और फ्राइडे चूज़ करना चाहता हूँ, या तो मैं ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे चूज़ करना चाहता हूँ। जो भी मेरा डेज है, जिस डेज को मैं क्लासेस लेता हूँ, मुझे उसे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर मुझे टाइम सिलेक्ट करना होगा कि मेरी क्लास का टाइम क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8:00 to 9:00। उसके बाद सेम टाइमिंग मुझे सभी डेज में सिलेक्ट करना होगा। टाइम सिलेक्ट कर लेने के बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो अपडेट क्लासरूम लिखा आ रहा है, आप उस पर टैप कर दें। अब आपकी यहाँ पर टाइम टेबल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है अबाउट टीचर, यहाँ टीचर अपने बारे में कुछ मेंशन करना चाहता है तो यहाँ पर वो मेंशन कर सकता है। अबाउट क्लासरूम में अगर आप आपके क्लासरूम के बारे में कुछ मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। सबसे पहला यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है जो है इंस्टीट्यूट। अगर आप के इंस्टीट्यूट ने आपको कोई इंस्टीट्यूट आईडी प्रोवाइड की है तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट को भी ऐड कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ऐड होने का एक बेनिफिट ये होगा कि इंस्टीट्यूट का जो एडमिन होगा वो सारी क्लासेस और सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स को मॉनिटर कर पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐड इंस्टीट्यूट पर टैप करें और यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट के पास से आपको एक आईडी प्राप्त करनी होगी। वो आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मुझे हो रहा है सेंट पॉल स्कूल विजयनगर। उसके बाद आप ऐड टू दिस इंस्टीट्यूट पर टैप कर लें। आप जैसे ही ये इंस्टीट्यूट को ऐड करेंगे ये रिक्वेस्ट आपके एडमिन के पास चला जाएगा और जब एडमिन उसे अप्रूवल कर देगा तब आप उस इंस्टीट्यूट में ऐड हो जाएंगे। ये प्रोसीजर आपको सभी क्लासरूम्स में सेपरेटली करना होगा। जैसे अभी मैंने 9th क्लास के लिए किया है तो यही प्रोसीजर मुझे 8th क्लास के लिए भी करना पड़ेगा और यही प्रोसीजर मुझे 7th क्लास के लिए भी करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको सबसे पहले स्टूडेंट्स को ऐड करना है, तो स्टूडेंट्स को किस तरह से हम ऐड करेंगे उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो है जो यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लासरूम आईडी, उसके पास में 9 डिजिट का एक नंबर लिखा हुआ है और एक बॉक्स का आइकॉन लिखा आइकॉन है जिसे कॉपी का आइकॉन बोलते हैं। आप चाहे तो उस पर्टिकुलर आईडी को कॉपी करके आप व्हाट्सएप के थ्रू, जीमेल के थ्रू या सिंपल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हो आपके स्टूडेंट्स के साथ। और दूसरा ऑप्शन है नीचे लिखा आ रहा है इनवाइट स्टूडेंट्स, तो आप इनवाइट स्टूडेंट्स पर टैप करें तो इस तरह से एक पॉपअप आएगा। अब यहाँ पे आपका क्लास का नाम, आपका सब्जेक्ट, आपके क्लासरूम की आईडी और एक लिंक जनरेट हुआ हुआ है जिसे आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के अलावा किसी और मीडियम से सेंड करना चाहते हैं तो उसके पास में जो शेयर बटन है उस पर टैप करें तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि आप सेव ड्राइव से करना चाहते हो, फेसबुक से करना चाहते हो, जीमेल से करना चाहते हो, तो इसमें आप जो भी ऑप्शन लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन प्रिफरेबली ये होगा कि हम व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करें। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लूँगा और मुझे किस स्टूडेंट को ये भेजना है तो मुझे यहाँ पे उस स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा या उस स्टूडेंट का उस जो भी क्लास ग्रुप है उसे सिलेक्ट करना होगा और मुझे उसे सेंड करना है। जैसे मैं यहाँ से सेंड कर दूँगा ये मैसेज स्टूडेंट के पास पहुँच चुका है। अब हमको स्टूडेंट फोन की ओर जाना पड़ेगा जहाँ से हम आगे की सेटिंग करेंगे। आइए हम चलते हैं स्टूडेंट फोन की ओर। अब हमें स्टूडेंट फोन में भी टीचमिंट ऐप को इंस्टॉल करना होगा, इसलिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करें। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद टीचमिंट ऐप सर्च करें और उसके बाद इंस्टॉल पर टैप कर लें। जैसे ही ऐप स्टूडेंट फोन में इंस्टॉल हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर ओपन लिखा आएगा, आपको ओपन पर टैप करना होगा। ओपन पर टैप करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको आपका प्रिफरेबल लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें, अगर पेरेंट्स कृपया ध्यान दें,
अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे सेंट पॉल स्कूल में ही पढ़ रहे हैं तो दोनों ही बच्चों के लिए सेपरेट मोबाइल नंबर आपको यूज़ करना होगा। इसके लिए फर्स्ट चाइल्ड के लिए जो भी नंबर आप एंटर करेंगे वो नंबर सेकेंड चाइल्ड के लिए वर्क नहीं करेगा। अब आप यहाँ पर मोबाइल नंबर जहाँ लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पर टैप करें। टैप करते ही आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए पूछेगा। हो सकता है आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली अगर नंबर शो कर रहा है तो आप कंटिन्यू पर टैप कर सकते हैं, और अगर नहीं कर रहा है तो इस तरह से आप मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं। नंबर एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पर टैप करें। ओटीपी अपने आप ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा और आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। जैसे कि अब ये फ़ोन स्टूडेंट फ़ोन है इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम टाइप करना होगा। स्टूडेंट का नाम टाइप करने के बाद अगर आप प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पर टैप करें। स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें, आपका जो नाम स्कूल रिकॉर्ड में चलता है वही टाइप करें, और साथ में आपका SR नंबर यानी कि एडमिशन नंबर जो पेरेंट ऐप में स्टूडेंट प्रोफाइल में अवेलेबल है वहाँ से देख लें, और वो नंबर भी आप यहाँ टाइप करें। जैसे कि इस स्टूडेंट का नंबर है 1710, तो ऐसा नंबर भी आप टाइप करें। उसके बाद कंटिन्यू पर टैप कर दें। अब स्टूडेंट को यहाँ पर अपनी क्लासरूम आईडी एंटर करना होगा। जैसे ही टीचर ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आईडी शेयर की है उस आईडी को यहाँ पर एंटर करना है, इसलिए हम सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करेंगे। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको उस मैसेज को खोलना है जहाँ पर आपको ये मैसेज प्राप्त हुआ था क्लासरूम आईडी का। अब यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे तो जो क्लासरूम आईडी जो 9 डिजिट की आ रही है आप सिर्फ उसी को कॉपी कर ले यहाँ से और उसे पेस्ट कर ले टीचमेंट में, या तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है आप उस पर टैप करें। जब आप उस ऐप पर टैप करोगे तो आपके पास आपको पूछा जाएगा आपको इस लिंक को कौन से एप्लीकेशन के साथ ओपन करना है, तो आपको वहाँ पर टीचमेंट सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप टीचमेंट सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे ये स्टूडेंट क्लास 9th में एनरोल हो चुका है लेकिन इसका जो अप्रूवल है वो अभी पेंडिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो क्लास 9 के नीचे लिखा आ रहा है अप्रूवल पेंडिंग। जैसे ही टीचर अप्रूवल देगा ये अप्रूवल पेंडिंग यहाँ से हट जाएगा और स्टूडेंट को अपना टाइम टेबल भी यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हम चलते हैं टीचर फोन की ओर। टीचर को अपने मोबाइल में स्टूडेंट वाले टैब पर टैप करना होगा। जैसे ही टीचर वहां पर टैप करेगा जिन स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट भेजी है अप्रूवल के लिए वो यहां पर शो हो जाएगी, और जब वो ग्रीन टिक पर टैप करेगा टीचर तो वो स्टूडेंट यहां पर ऐड हो जाएगा। अब हम वापस चलते हैं स्टूडेंट फोन की ओर। स्टूडेंट फोन में वापस हम जाएंगे टीचमेंट ऐप में। अब आप देख सकते हो क्लास 9 के बाद में कंप्यूटर सब्जेक्ट लिखा आ गया है और टाइम टेबल भी लिखा आ गया है। जो पेंडिंग अप्रूवल जो आ रहा था वो अब हट गया है क्योंकि टीचर ने अप्रूवल दे दिया है। टीचमेंट ऐप को कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़ करने के लिए आपको इस वेबसाइट को ओपन करना होगा teachmeet.com/login। उसके बाद आपको आपके मोबाइल में इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड आपको तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक है बेल आइकन, एक है कंप्यूटर का आइकन और एक है क्वेश्चन मार्क वाला आइकन। आपको यहाँ पर कंप्यूटर वाले आइकन पे मोबाइल में टैप करना होगा। जब आप मोबाइल पर टैप करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जहाँ पर आपको स्कैन QR कोड के लिए कहा जाएगा। आपको स्कैन QR कोड पर टैप करना है और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जहाँ पर यह QR कोड ऑलरेडी शो हो रहा है आपको उसे स्कैन करना होगा। जैसे ही आप उसे स्कैन कर लेंगे आप देख सकते हो कि कंप्यूटर में भी टीचमेंट ऐप ओपन हो चुका है। अब टीचमेंट ऐप को कंप्यूटर में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके लिए भी आपको यहाँ पे सेम स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि क्रिएट क्लासरूम यहाँ पे दिया गया है, उसके अलावा क्लासरूम क्रिएट हो जाने के बाद आपको उस पर्टिकुलर क्लासरूम को क्रिएट क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा, और जैसे ही मोबाइल में जो ऑप्शंस यूज़ कर रहे थे गो लाइव सारी ऑप्शंस उसी तरह आपको यहाँ पर भी यूज़ करने के लिए मिलेंगे।
तो आप लैपटॉप डेस्कटॉप में भी टीचमेंट ऐप को यूज़ कर सकते हो। लाइव क्लास कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले टीचर को अपने मोबाइल में टीचमेंट ऐप ओपन करना है और जिस क्लास की लाइव क्लास कंडक्ट करनी है उस पर टैप करके उसे ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद नीचे की तरफ गो लाइव का ऑप्शन आएगा, उस पर टैप करना है। जैसे ही टीचर गो लाइव पर टैप करेगा आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो तीन ऑप्शंस है, माइक ऑन, वीडियो ऑन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ। बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग ऑफ होती है, आपको उसे टैप करके रिकॉर्डिंग ऑन करना होगा। रिकॉर्डिंग ऑन करने से बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आपकी ये क्लास कंप्लीट होगी इस पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग सेक्शन में अपलोड हो जाएगी। और अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी कारणवश इस क्लास को अटेंड नहीं कर पाया था या अगर उसे कोई डाउट्स है जिसे वो क्लियर करना चाहता है तो वो वापस रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके इस क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग देख सकता है। अब हम गो लाइव पर टैप करेंगे। जैसे ही मैं लाइव पर टैप करूंगा मैं यहाँ पर लाइव हो चुका हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर एक भी स्टूडेंट विजिबल नहीं है। अब सबसे पहले स्टूडेंट को भी अपने मोबाइल में टीचमेंट ऐप ओपन करना है और जिस क्लास की क्लास चल रही है लाइव क्लास उसे टैप करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद स्टूडेंट के सामने ग्रीन बॉक्स में ज्वाइन लाइव लिखा आएगा, उस पर टैप करना होगा। जैसे स्टूडेंट ज्वाइन लाइव पर टैप कर लेगा यहाँ पे स्टूडेंट भी ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन अभी आप स्टूडेंट की वीडियो नहीं देख पा रहे हो। इसके स्टूडेंट को अपने मोबाइल के स्क्रीन पर टैप करना है और नीचे एक ऑप्शन है वीडियो, जिस पर टैप करके उसे अनेबल कर देना है। जो बाय डिफॉल्ट रेड होता है उसे टैप करने से वो अनेबल हो जाएगा और वो ग्रीन शो हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि एक स्टूडेंट के रूप में यहाँ पे एक कैंडिडेट वापस आपको नीचे शो हो रहा है। अब ये क्लास प्रॉपरली चल रही है। क्लास के दौरान अगर टीचर को कुछ भी शेयर करना है तो टीचर को अपने मोबाइल में टैप करना है और नीचे एक ऑप्शन आएगा शेयर, उस पर टैप करना होगा। शेयर पर टैप करने से आपके सामने चार ऑप्शंस आ जाएंगे, शेयर स्क्रीन, शेयर फोटो, शेयर पीडीएफ एंड शेयर व्हाइट बोर्ड। अगर टीचर अपना मोबाइल या लैपटॉप जिससे ये क्लास कंडक्ट कर रहा है उसकी स्क्रीन शेयर करनी है तो शेयर स्क्रीन पर टैप करना होगा और शेयर स्क्रीन पर टैप करते ही आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन शेयर हो जाएगी। फोटो शेयर करने के लिए फोटो पर टैप करना है और पीडीएफ शेयर करने के लिए पीडीएफ पर टैप करना होगा। अगर आप व्हाइट बोर्ड का यूज करना चाहते हैं तो शेयर व्हाइट बोर्ड पर टैप करें। जैसे ही आप शेयर व्हाइट बोर्ड पे टैप करेंगे व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा। सेम व्हाइट बोर्ड स्टूडेंट के मोबाइल में भी शो होगा। नीचे की तरफ आपको कुछ ऑप्शन है जैसे मिल रहे हैं, जैसे कि पेन टूल से आप कुछ भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो और लिख सकते हो। हाईलाइट टूल से आप कुछ भी हाईलाइट कर सकते हो। इरेजर से आप इरेज कर पाओगे। टेक्स्ट बॉक्स में आप यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। उसके अलावा एक ऑप्शन है मोर, उस पर जब आप टैप करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जैसे कि कलर। अगर आप पेन का या हाइलाइटर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक शेप्स का ऑप्शन है, उस पर जाके आप कोई भी शेप ड्रॉ करना चाहते हो जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, उस तरह से आप अलग अलग शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको ये व्हाइट बोर्ड क्लोज करना है तो लेफ्ट हैंड की तरफ जो क्रॉस बॉक्स है उस पर टैप करके व्हाइट बोर्ड क्लोज कर लें। तो इस तरह से आप व्हाइट बोर्ड का यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर टीचर फोन में एक ऑप्शन अवेलेबल है म्यूट ऑल। अगर म्यूट ऑल वाला ऑप्शन आपने टैप कर रखा है तो इससे ये होगा कि दूसरे स्टूडेंट बीच में डिस्टर्बेंस नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ एक और ऑप्शन है यहाँ पर, जब आप ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन करना चाहते हो, वीडियो की जो आपकी क्वालिटी है उसे आप लो पे रखना चाहते हो और स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहते हो टॉक के लिए या चैट करने के लिए या वीडियो के लिए, तो इधर से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से लाइव क्लास कंडक्ट होगी। अब लाइव क्लास को एंड करने से पहले एक और टॉपिक बताना चाहूंगा। जब आप फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा चेंज करना चाहते हो तो स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड की तरफ फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है जब आप उस पर टैप करेंगे तो इस तरह से आपका कैमरा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मीटिंग एंड करने के लिए एग्जिट पर टैप करूंगा।
मैं जैसे ही एग्जिट पे टैप करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो है लीव क्लास जिससे मैं सिर्फ टीचर ही इस क्लास से लीव होगा, और एंड क्लास फॉर ऑल पे करने से सभी स्टूडेंट्स भी इस क्लास से एंड हो जाएंगे। तो नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर, जैसे ही मैं क्लास कंप्लीट करूंगा तो यहां पर स्टूडेंट एंड और टीचर एंड दोनों पर ये क्लास एंड हो चुकी है। अटेंडेंस चेक करना है अगर, तो मुझे यहाँ पे समरी के अंदर जो अटेंडेंस मेनू आ रहा है उस पर टैप करना होगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टैनी इग्नेस स्टूडेंट ने क्लास अटेंड की है, इसलिए उसके सामने पी आ रहा है प्रेजेंट का, और 7% शो हो रहा है। ये क्लास का टाइमिंग था 1 आवर का, और हम 1 आवर में से हमने कुछ देर के लिए ही ये क्लास अटेंड करी थी, इसलिए यहाँ पे 7% आ रहा है। अगर पूरी क्लास अटेंड करेंगे तो 100% शो होगा। इस रिपोर्ट्स को डाउनलोड अगर करना है टीचर को, तो जो नीचे की तरफ एक सर्कल में डाउन एरो बना हुआ आ रहा है उस पर क्लिक करके टीचर इस पूरे रिकॉर्ड को भी एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट एंड में अगर स्टूडेंट को अपनी अटेंडेंस चेक करनी है तो स्टूडेंट को भी अटेंडेंस पर टैप करना होगा यहाँ, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट के सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा और हर डेट के सामने एक ग्रीन डॉट बना आ जाएगा। इसका मतलब उस पर्टिकुलर डे की अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, तो इस तरह से स्टूडेंट भी अपनी अटेंडेंस देख सकता है। अगर स्टूडेंट को रिकॉर्डिंग चेक करना है तो स्टूडेंट को अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाना होगा, और टीचर को अगर रिकॉर्डिंग देखना है तो टीचर को भी रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाना होगा। रिकॉर्डिंग सेक्शन के अंदर टीचर के पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा जो है डाउनलोड का, और स्टूडेंट के मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसा कि आप स्टूडेंट फोन में देख पा रहे हो, यहाँ पे एक वीडियो अपलोड हुई है। अगर स्टूडेंट को वो वीडियो देखना है तो स्टूडेंट को उस वीडियो पर टैप करना होगा, और टैप करने के बाद इस तरह से वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। अब हम टीचर फोन में आ जाएंगे। टीचर फोन में अगर टीचर को इस वीडियो रिकॉर्डिंग को व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो अदर पे टैप करना होगा और शेयर पे टैप करना होगा, और उसके बाद जिस स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ इस वीडियो को शेयर करना है उसको सिलेक्ट करके सेंड करना होगा। तो इस तरह से एक लिंक स्टूडेंट के व्हाट्सएप में चला जाएगा और स्टूडेंट उसके थ्रू इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि टीचर डाउनलोड पर क्लिक करे और इस वीडियो को पहले डाउनलोड कर ले, और उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से टीचर व्हाट्सएप के थ्रू भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। एक लास्ट ऑप्शन आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, जो कि अकाउंट पे आपको टैप करना होगा। राइट हैंड की तरफ बॉटम में अकाउंट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप करने से आपके सामने प्रोफाइल खुल जाएगी, और प्रोफाइल में नीचे की तरफ एक ऑप्शन है अकाउंट सेटिंग्स, जिस पे व्यू लिखा है उस पर टैप करना होगा। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो आपको लॉग आउट पर टैप करना होगा। अगर किसी पेरेंट के एक से ज़्यादा बच्चे इसी स्कूल में है और आपके पास दो मोबाइल नहीं है, आप एक ही मोबाइल से दो स्टूडेंट्स मैनेज करना चाहते हैं, तो आप लॉग आउट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए आपको सेपरेट मोबाइल नंबर देना होगा। दोनों ही मोबाइल नंबर सेपरेट होने चाहिए दोनों स्टूडेंट्स के लिए। लॉग आउट पर टैप करके आप लॉग आउट हो जाएं, और उसके बाद सेकेंड स्टूडेंट के लिए जो सेकेंड वाला मोबाइल नंबर आप यूज़ करना चाहते हैं उससे आपको लॉगिन होना पड़ेगा। और नीचे की तरफ एक ऑप्शन है डिलीट अकाउंट। डिलीट अकाउंट से आप इस अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर देंगे, यानी कि अगर बाई मिस्टेकली किसी टीचर ने टीचर की जगह स्टूडेंट को सिलेक्ट करके अकाउंट क्रिएट कर लिया था, या स्टूडेंट ने स्टूडेंट की जगह टीचर के नाम से अकाउंट क्रिएट कर लिया था, या किसी और भी कारणवश अगर आप ये अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको डिलीट अकाउंट पर टैप करना होगा और वही नंबर एंटर करना होगा यहाँ पर मोबाइल का जिससे आपने अकाउंट रजिस्टर किया था, तभी ये डिलीट अकाउंट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। और डिलीट अकाउंट पर टैप करते ही आपका ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा और आप फिर से नया फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि मेरे इस पूरे वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे और आपके सारे डाउट्स इससे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।